मास्क ही बैठा है और उसको गर्मी लग रही है। प्रॉपर्टी ओनर का ही है, बट अभी आज ना रूम कोई खाली नहीं है और आप जानते हो हस्की ह्यूमिड हॉट एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अकेला ही हूँ रूम में, तो इसको बुला लूँ अंदर कि अब तो शांति से बैठ जाए। शरीफ ही लग रहा है वैसे तो। आज अंदर आ जा, हाँ यहीं पे सो जा, बैठ जा, बैठ जा। खाना नहीं है? ना 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 ना, ओए बैठ जा, सिट 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 सिट। हाँ ये पास, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये हस्की को बुला लिया अंदर, अभी भी हाँफ रहा है बहुत तेज तेज, तो इसको रेस्ट करने देते हैं। क्या ये बिगाड़ रहा है अंदर बैठ के बेचारा। और मैं एक्चुअली ना, मेरे को करनी है गाड़ी तैयार माउंट्स वगैरह लगा के, तो कल मेरे को आगे निकलना है। आज का दिन एक तरह से कह दो यूटिलाइज नहीं हुआ, बट ज़रूरी भी था, मतलब कुछ डिस्कशंस थे जो ज़रूरी थे, तो उसमें अपना दिन निकल गया। तो भाई मैं सोच रहा था अभी बाहर जाऊंगा, एक वीडियो शूट करूंगा, बट भाई साहब गेट के आगे सो गए हैं और अब हिल नहीं रहा, तो चलो यहीं से बना देते हैं, कोई बात नहीं। गाड़ी हमने ऑलरेडी बहुत चला ली है, तो कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है कि गाड़ी के अंदर बैठ के ये वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज़ अबाउट हाइलक्स ओनरशिप आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स। तो जो 20,000 किलोमीटर्स हुए हैं, ये हुए हैं अपने, तो 10 महीने में गाड़ी ने किए 20,000 किलोमीटर्स, और ये नॉर्मल यूज़ केस में नहीं हुए हैं 20,000 किलोमीटर्स, ऑल एक्सपीडिशंस, और एक्सपीडिशंस भी टफ टफ थे। तो अगर हम गिने उन एक्सपीडिशंस को, तो फर्स्ट वॉज एक नॉर्मल ट्रिप, उसको मैं गिन नहीं रहा हूँ। वो जब मैं एक बार मनाली गया था, जब डिज़ास्टर हुआ था वो फ्लड वाला, और उसके बाद अमृतसर गया था, तो दैट वाज नॉट सॉर्ट ऑफ एक्सपीडिशन, नॉर्मल ट्रिप था, लंबा था 2,000 किलोमीटर का, बट तो वो उसको मैं एक्सपीडिशन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो पहला एक्सपीडिशन जो इसमें हुआ था, वो हुआ था अपना लद्दाख वाला एक्सपीडिशन, जहाँ पे वो टैंकर फंसा हुआ मिला था, दैट वाज इट्स फर्स्ट बिग एक्सपीडिशन। उसके बाद में फिर हम गए नेपाल में मनांग और मस्तांग, वो भी तगड़ा एक्सपीडिशन था, वीडियोस कम आई, रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि सिर्फ 3 वीडियो आके वो रह गया था, तो कम से कम 7-8 वीडियो डिज़र्व करता था वो एक्सपीडिशन। तीसरा एक्सपीडिशन उसके बाद में हमने किया डेजर्ट का, जैसलमेर वाला। चौथा एक्सपीडिशन फिर हमने किया विंटर स्पीति। पाँचवा फिर हमने किया विंटर लाहुल, जिसको हमने शिंकुल एक्सपीडिशन बोला था। एंड सिक्स्थ एक्सपीडिशन वॉज, जो मैं फिर से सोलो, यू नो, वो बहुत डीप स्नो में चला गया था, तो वो भी एक सॉलिड एक्सपीडिशन था। तो ये 6 एक्सपीडिशन थे, उसके बाद ये 7वां है जिसकी हम अभी इस टाइम पे बैठे हैं, जिस एक्सपीडिशन पे। तो इस तरह के एक्सपीडिशंस के 20,000 किलोमीटर्स हैं, उसके बाद उसके अलावा ये कोई चली नहीं है, घर जाके खड़ी हो जाती है गाड़ी, तो दैट मीन्स टफ 20,000 किलोमीटर्स इस गाड़ी ने स्पेंड किए हैं। तो उसके बाद में एक ओनरशिप रिव्यू लोग जानना चाहेंगे मेरा क्या राय, तो मैंने उसको काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, और सेक्शंस इस तरह से रखे हैं कि लोगों को लगभग हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, जिस तरह के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं लोगों के। तो पहला पॉइंट जो है वो है व्हाई आई गॉट दिस। तो जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जिस तरह के हरकतें मैं कर रहा था, तो उसमें मुझे एक कमी हमेशा रहती थी, जहाँ पे यू नो मेरी गाड़ियाँ मुझे कोल्ड स्टार्ट का इशू दे रही थी, और कोल्ड स्टार्ट का इशू थोड़ा सा सॉल्व हुआ, तो फिर उसके बाद में कुछ और तरह के मैकेनिकल इशू, टेक्निकल इश्यूज। तो एक ऐसी गाड़ी की तलाश थी जिसके साथ मैं थोड़ा सा सेफ फील कर सकूं, रादर देन गेटिंग स्टक समवेयर इन अ डेडली सिचुएशन। सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई जहाँ पे मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, और यू नो एंड ऑफ द डे यू नीड टू रीच बैक टू योर फैमिली। तो मेन रीज़न था, एक तो थोड़ा सा ऐसा व्हीकल जो परेशान ना करे आपको, और आपने देखा भी होगा किसी भी एक्सपीडिशन में इसने किसी भी तरह से परेशान नहीं किया अब तक, जबकि टफेस्ट एक्सपीडिशंस थे सारे के सारे। उसके बाद में फिर डील दिखाई दी, तो हमें लगा कि यार आई गेस लास्ट चांस है इस तरह का कुछ। बाकी अब तक भी चल रही हैं, इट्स नॉट लाइक कि हमने ले ली तो उसके बाद में ख़त्म हो गई, इवन बेटर ही मिल रहे हैं, बट
ऐसा लगा था तो ये ली गई थी गाड़ी उस टाइम पे। उसके अलावा गाड़ियाँ छोटी पड़ रही थी और जितना सामान मैं कैरी करके चलता था वो ठूस तो मैं लेता था बट यूज़ नहीं हो पाता था, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह पे रखा होता था कि आप उसको निकालने में फिर सोचते थे छोड़ो यार तो यूं कहीं वो वापस चला जाता था, चाहे वो कुकिंग हो चाहे और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हों। जैसे आपने अपना ट्राईपॉड कहीं रख दिया तो आप सोच रहे हो यार कौन ढूंढे कौन निकाले, तो ऐसी सिचुएशंस बहुत हो रही थी। खाने का सामान आपने रख दिया, आप कह रहे यार कौन निकाले कौन कुक करे पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, तो ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर वो गाड़ियाँ कॉइल स्प्रिंग्स पे थी तो उतना वेट उनके पीछे करना, जैसे आप वुडन स्ट्रक्चर बनवाते, मैंने भी बनवाए थे शुरू में बट वो वेट इतना हो गया था गाड़ी में कि फिर उसकी ओवरऑल हैंडलिंग ख़राब हो गई थी। तो एक फिर ऐसी गाड़ी भी चाहिए थी जो कि कॉन्फिगर की जा सके और एक ग्लोबल प्रोडक्ट हाईलक्स जैसा जिसके लिए जो चाहिए वो अवेलेबल है, तो इससे ऊपर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो दूसरा पॉइंट है व्हाट इट फील्स लाइक। भाई व्हाट इट फील्स लाइक इज जिस तरह की गाड़ियों से मैं आया हूँ, एक्चुअली जिन्होंने इससे बेहतर गाड़ियाँ चलाई हैं वो इस पे ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं क्योंकि उनको मे बी डाउनग्रेड फील हो, बट मैं जिस तरह की गाड़ियों से मूव हुआ इसकी तरफ तो ये बेहतरीन चलती है उनके कंपैरिजन में। और इवन इन स्टॉक सस्पेंशन, जो इसमें स्टॉक सस्पेंशन लगा हुआ था तो उस पे भी बढ़िया चल रही थी, पर उसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने सस्पेंशन अपग्रेड किया और अब और भी बेहतर चलती है गाड़ी। अब तीसरा पॉइंट है व्हाट इज़ द माइलेज। तो दोस्तों माइलेज इसका फोटे नहीं है गाड़ी का, कंपनी जो क्लेम करती है उतना अचीव करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। एक फिर मेरी गाड़ी एरोडायनामिक भी उतनी नहीं रही है जिस तरह से मैंने उसको सेटअप किया है, तो इट्स गोना बी लेस एफिशिएंट। पर ये है कि टैंक बड़ा है 80 लीटर्स का, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इतनी फ्रीक्वेंटली, फ्यूल नहीं डलाना पड़ता। बट मेरी ट्रिप की जो माइलेज आ रही हैं, जो एक्सपेडिशंस की माइलेज आ रही हैं अराउंड प्लेन्स को और टफ टेरेन को इंक्लूड करें तो 7 के आसपास की माइलेज ये गाड़ी ओवरऑल दे रही है, जिसमें हाईवेज भी इंक्लूड हैं और फिर टफ टेरेन्स पे चलाओगे वहाँ पे रीसेट कर दोगे तो आई एम श्योर कि 3-4 की माइलेज उस टाइम पे आ रही होगी गाड़ी की। एवरेज आउट जो ये करती है जैसे 9 की 9.5 की हाईवे पे दे रही है, उसके बाद में आपको 3-4 की है, फिर टफ टेरेन्स में दे रही है, तो मिला के वही 7 के आसपास की माइलेज इसके ओवरऑल आती है गाड़ी की। तो अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं इश्यूज़ क्या क्या है इसमें इस 10 महीने 20,000 किलोमीटर में। तो इश्यूज़ उस तरह के नहीं है बट हाँ कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोग से। फर्स्ट इस कि इसका DEF यूजेस, जिसको डीजल एमिशन फ्लूड बोलते हैं, तो जो यूरिया होता है उसका यूजेज इस गाड़ी का ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। सिचुएशन डिपेंडेंट ये चलती है, आज तक मैंने इसमें से कोई स्मोक आता नहीं देखा इसके टेल पाइप में से, तो दैट मीन्स सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। बस होता क्या है कि मान लो जैसे हम नेपाल ट्रिप पे गए, वहाँ पे आपको फ्यूल BS6 नहीं मिलता, BS4 मिलता है, तो वहाँ पे ये एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा यूरिया स्प्रे करेगी, या फिर आप टफ टेरेन में चला रहे हो तो वो वाले किलोमीटर्स जो होते हैं उनको आप हाईवे वाले किलोमीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अगर आपकी माइलेज 4 की या 3 की हो गई है उन सिचुएशंस में, तो DEF यूजेस भी आपकी माइलेज जैसे 1/3 हुई है तो DEF यूजेस 3x हो जाएगा वहाँ पे आपका किलोमीटर्स के हिसाब से। तो एक तो DEF यूजेस बहुत ज़्यादा है तो आपको हर ट्रिप के बाद में एक बारी डलाना पड़ता है, गाड़ी टॉप अप करानी पड़ती है, जबकि इसका 17 लीटर का है। फॉर्चुनर वाले तो अगर इस तरह की ट्रिप्स करेंगे तो ज़्यादा ही परेशान रहेंगे, उसका टैंक छोटा है। दूसरा इशू ये था कि स्टॉक फॉर्म में जिन स्पीड्स पे मैं इसको चला रहा था, और मोस्टली ये मुझे फील हुआ था बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते थे जहाँ पे जैसे मनांग मस्तांग नेपाल में, तो वहाँ पे इसकी नोज़ हिट काफ़ी हुई थी। थैंकफुली पूरा अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, बट वो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन पूरा डैमेज हो गया था। और उसके बाद में फिर मैंने सस्पेंशन अपग्रेड किया, जो कि बहुत हाई मैंने नहीं किया, आई जस्ट वेंट वेरी कंजर्वेटिवली कि 40 mm के आसपास की लिफ्ट, जिसको आप बोल सकते हो 1.5 इंच का लिफ्ट, और उसके साथ में फिर 1 इंच बड़े टायर्स हैं जिन्होंने आधा इंच का ग्राउंड क्लियरेंस उन्होंने दिया है। तो यू कैन से कि मेरी गाड़ी लगभग 2-2.5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस उसकी बड़ी है, जिसकी वजह से, और फिर जो नया सस्पेंशन है उसकी डैम्पिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आयरन मैन फोम सेल प्रो मैंने डाला था, तो
तो इस वजह से वो बाउंस इतना नहीं होते, तो उसके बाद से हिट होने के इश्यूज़ ख़त्म हो गए। तीसरी चीज़ इसमें इश्यूज़ में पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं गाड़ी के। चलो डील्स से गाड़ी तो वैल्यू फॉर मनी हो गई। उसके बाद में सर्विस कॉस्ट इज़ वेरी लो, नॉर्मल सर्विस की कुछ कॉस्ट है ही नहीं, इवन थार से भी कम कॉस्ट करते इसके नॉर्मल सर्विस। अभी कल ही जो मैंने सर्विस कराई थी इस गाड़ी की, उसका टोटल खर्चा था आई गेस 19,000 समथिंग, जिसमें से आई गेस 14,000 के ब्रेक पैड थे फ्रंट वाले। तो आप लगा सकते हो कि 6,000 रुपये की सर्विस इसकी हुई थी नॉर्मल सर्विस, और फिर उसमें अपन आई गेस DEF भी टॉप अप कराया था। तो इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सर्विस इज़ वेरी चीप। इससे ज़्यादा तो मेरी थार का खर्चा आ जाता है, बट द इशू इज़ पार्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपकी गाड़ी जीरो डैप इंश्योर्ड नहीं है, और वो भी टोयोटा से स्पेसिफिकली इंश्योरेंस नहीं कराया, तो हो सकता है उसमें भी कुछ इश्यूज़ हो। पार्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप कोई चीज़ डैमेज कर देते हो, जैसे इसकी एक टेल लाइट है 40,000 रुपये की, इसकी एक हेडलाइट है 1,10,000 रुपये की है, उसके अलावा जैसे प्लास्टिक का फ्रंट बम्पर है वो भी 70,000 के आसपास का है, शीशा भी हो सकता है 1,00,000 रुपये का हो, फ्रंट विंडशील्ड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे करके ना इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, अनरीजनेबल लगते हैं मुझे। और आप कोई बोलेगा कि ये तो होगा, ये प्रीमियम गाड़ी है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी गाड़ी बनाते, जैसे इंडिया में कोई देसी मैन्युफैक्चरर कोई गाड़ी बना रहा है, तो फॉर श्योर उसकी क्वालिटी से बेटर ये पार्ट्स यूज़ कर रहे होंगे, बट वो 2 गुना हो सकती है कॉस्ट उसकी, 2.5 गुना हो सकती है, 10 गुना नहीं हो सकती है। तो स्पेयर पार्ट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो आप इस गाड़ी से उतना फ्रीली मतलब ऐसी हरकतें नहीं कर सकते जिसमें कि डैमेज होने के चांसेस हों, और फिर आप अपनी पॉकेट से वो सामान नहीं डला पाओगे। जैसे थार है, उसमें आपने कुछ तोड़ दिया तो आप जाओगे अपने भाई 5-10 हज़ार का खर्चा है, लेट्स डू इट, इसमें सीधा लाखों का खर्चा होगा अगर कोई दिक्कत आती है तो। एक जो चौथा इशू मैंने फेस किया लिफ्ट किट से रिलेटेड है, स्टॉक गाड़ी से रिलेटेड नहीं है। तो लिफ्ट किट लाने के बाद में मैंने ये बाहर से अलाइनमेंट कराई एक अलाइनमेंट वाले से, और कितनी बार चक्कर लगाए बट उसने ढंग से अलाइनमेंट नहीं की। मेरे ब्रांड न्यू रडार रेनेगेड टायर्स ख़राब हो गए, उस ख़राब अलाइनमेंट की वजह से गाड़ी स्क्वील करती थी। मुझे लगा कि आई डोंट नो इस गाड़ी की हैंडलिंग ऐसी है, टर्न्स पे इतने टायर स्क्वील क्यों कर रहे हैं। फिर हुआ कि एक एक्सपीडिशन पे मेरे से इसके बुश डैमेज हो गए, नीचे कंट्रोल आर्म थी जो नीचे वाली, उसका जो माउंट था वो डैमेज हो गया मेरे से, जो भी पिछला एक्सपीडिशन था बर्फ़ वाला, उसमें टकरे मार मार के। तो मैंने फिर जब बुशेस चेंज कराए तो अब टोयोटा ने अलाइनमेंट करके दी गाड़ी की, और टोयोटा ने ये जो 2 इंच की लिफ्ट किट है अपनी डीलर वाली गाड़ियों में डाली हैं, तो देयर मैकेनिक्स आर आई गेस वेल ट्रेंड। तो भाई 2 डीलरों ने इसकी अलाइनमेंट की, एक तो उसने जुगाड़ करके जिसके पास बुश नहीं थे हिमाचल वाले डीलर ने, उसने मुझे घर भेजा, उसकी अलाइनमेंट परफेक्ट थी। उसके बाद वापस आके जब बुशेस चेंज कराए तो फिर जब मेरे वाले डीलर ने अलाइनमेंट की वो भी परफेक्ट की। तो दैट मीन्स अब लिफ्टेड गाड़ी में भी बाहर से अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी ने उसके बाद एक बार भी टायर स्क्वील नहीं किया है, और स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है, वाइब्रेशंस भी इस तरह के टायर होने के बावजूद भी नहीं है। तो दैट मीन्स कि भैया पे मोर बट गेट द अलाइनमेंट डन फ्रॉम अवर डीलर ओनली, क्योंकि पूरा एक सेट टायर्स का ख़राब हो गया बाहर से अलाइनमेंट करा के। तो ये थे टोटल जो इश्यूज मैंने फेस किए अब तक इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है रिलायबिलिटी। तो भाई रिलायबिलिटी इज़ टॉप नॉच ऑन दिस व्हीकल यार। अब रिलायबिलिटी किस चीज़ को बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं टफ यूज़ में, जैसे कोई चीज़ लीक हो जाना, कुछ छोटे मोटे निगल्स आना, इलेक्ट्रॉनिक निगल्स आना, इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आना, या फिर उसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए डीलर के पास भागना, कोई रिकॉल आना, या फिर उसके साथ में कोल्ड स्टार्ट इश्यूज़ जो मैं फेस करता था, उस तरह की चीज़ें, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल यार। -30 में बंदा यूँ सोचता है एक बार कि यार चलो रात को एक बार स्टार्ट कर देते हैं। भाई हमारे साथ में जितनी भी हाइलक्सेस गई अभी, जैसे फ्रेंड्स की चली गई या कोई पार्टिसिपेंट आ गया, इस गाड़ी ने प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट किया यार, बिल्कुल भी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बिल्कुल छोड़ देते थे हम लोग आके वापस, और खड़ी कर देते थे कि देखते हैं कल क्या होता है। सुबह चाहे 4 बजे स्टार्ट कर लो, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कुछ भी पहन के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतनी ठंड है, बट सीट पे नहीं बैठा जा रहा है, सीटों की फोम जमी हुई है। हमने अगर जाके बटन दबाया ना स्टार्टर बटन, तो वही गाड़ी ने चूँ चूँ भी नहीं की, लंबा सेल्फ भी नहीं लिया, मतलब कमाल है यार।
पीस ऑफ माइंड। अब जैसे कई लोग हैं वो बोलते हैं कि पूछते हैं फॉर्चूनर, यस फॉर्चूनर का भी यही इंजन है तो हम श्योर कि उसकी परफॉर्मेंस भी यही रहेगी। फिर कई लोग बोलते हैं एंडेवर की बात करते हैं, तो एंडेवर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है कोल्ड में। हमारे साथ एक्सपीडिशन में गई थी विंटर स्पीति में एक एंडेवर, तो उसने मोहित ने कवर करके रखा था गाड़ी को, तो उसके बाद इशू नहीं हुआ था, उसने रिस्क नहीं लिया। तो हमारे साथ कोई भी एंडेवर कई दिन तक हमारे एक्सपीडिशन में हमारे साथ नहीं रही है, बट हाँ जब हम अपने होम स्टे से जा रहे थे तो हमने नई वाले एंडेवर्स का बोनट खुले हुए वहाँ पे देखा। उसका क्या रीज़न था, क्यों स्टार्ट नहीं हुई उनकी, बट आई एम श्योर कि थोड़ा सा वेरिएशन है वहाँ पे, मतलब दिस स्टार्ट्स बेटर देन आई गेस एंडेवर एज वेल, जो बोनट हमने खुले हुए देखे कुछ गाड़ियों के। तो ऐसा कुछ रहा भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस हाइलक्स का। अगर पॉकेट पेन की बात की जाए तो वो तो यार ऑब्वियसली मतलब अनप्लान्ड परचेज एक तरह से डील के चक्कर में आप करते हो तो पॉकेट पेन तो होगा, बट और कोई मुझे रिग्रेट नहीं है इस गाड़ी को लेने का। आई एम श्योर कि कोई ऑप्शन और भी नहीं आएगा जो कि हम सोच भी सकें, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा या फिर वो इतना स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। तो यू नो अब शायद मुझे लगता है कि मैं सेटल हो जाऊँगा, और ये जो पैसे बर्बाद बार 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 हो रहे थे गाड़ियों में ये अब बंद हो जाएंगे। अब मेन चीज़ पे फोकस करेंगे। अब एक्सपीडिशंस के लिए जो अब हम कराने भी लगे हैं, मेरे सोलो भी हैं, जैसे मैं सोलो कर रहा हूँ तो आई शुड बी सेफ, मैं सेफ़ फील करूँ गाड़ी के साथ, ऐसा ना लगे कि यार कहीं धोखा ना दे दे गाड़ी। तो इन 6 एक्सपीडिशंस में ये तो बढ़िया तरह से चेक हो चुका है कि भाई इफ़ देर इज़ समथिंग विच कैन कीप यू सेफ, विच कैन ब्रिंग यू बैक, कितने भी आप भसड़ पाल दो, तो दिस इज़ द व्हीकल। कई बार ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से यू नो लगभग जान से हाथ धोना पड़ गया था, अब वो रिस्क आगे लिए नहीं जा सकते थे। तो यही रीज़न था इस गाड़ी को परचेज करने का, और इसने बिल्कुल कम्प्लीटली फुलफिल किया उस इशू को। तो अभी इस टाइम पे मैं हूँ वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्ट के आगे की ट्रिप्स मैं करने वाला हूँ। तो अभी कल ही सर्विस कराई थी 20,000 वाली, तो मुझे लगा कि आई गेस कई लोग इसका ओनरशिप रिव्यू जानना चाहेंगे गाड़ी का। अब मैं बता ही रहा था हस्की बाबा गेट पे बैठे हैं तो इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया, तो गाड़ी में बैठे बिना मैंने ये वीडियो बना दिया। बट यू हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोज ऑलरेडी, और अब उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत क्या है, गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत थी। बाहर भी बहुत ह्यूमिड है वेदर अभी, अब कल से तो गर्मी में मरना ही है, बट आज रूम में बैठ के बना देते हैं, कोई बात नहीं। मुझे भी लगा चलो हस्की कह रहा है भाई मुझे गर्मी लग रही थी, तूने रूम में बुलाया मेरे को तो अब तेरे को गर्मी लगेगी, तो रूम में बैठ के बना ले वीडियो। तो चलो बना दिया, और आई रियली होप कि ये काफ़ी लोगों को यू नो काफ़ी अच्छा आइडिया देगा। अब इस वीडियो में इतना ही, अभी इसी एक्सपीडिशन पे मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें कि मैं पूरा प्रॉपर वॉक अराउंड कि भाई क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कई लोग वो भी पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड आई रियली होप कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के साथ में अब तक, और आई रियली होप कि ये ऐसा ही बना रहे कमिंग टाइम्स में भी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, कीप वॉचिंग डीसी एक्सपीडिशंस। बाय। ये देखो बाबूजी को सपना देख रहा है, पक्का सपना देख रहा है, हिला।